का इस्तेमाल हो रहा है, कल मध्य इन चुनावों में बात चाहते हो रहे हैं, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? किस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल इन चुनावों में नेता लोग कर रहे हैं, उतना कितना उचित है? कि कल एक बयान आया था, पहले राहुल गांधी जी की सभा थी दो दिन पहले, वो कल प्रधानमंत्री जी का बयान आया जो मेड इन चाइना वाली जो बात मोबाइल पर उचित थी, उसको लेकर कहा मूर्खों का सरदार। किस तरह देखते हैं इस प्रकार के बयानों को? अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि प्रधानमंत्री की गरिमा अधिक बढ़ी थी और उसके अंदर वो इस प्रकार की भाषा बढ़ाने वाले नाम ले रहे हैं, छीटा कटी कर रहे हैं नेताओं पर, इसकी जितनी निंदा की जा रही काम है, क्योंकि एक गरिमा में भरपूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ वो इस प्रकार की बातें कर रहा है तो सब क्या कह सकते हैं? धर्म के नाम पर लोग उम्र कर सकते हैं, पर मैं समझता हूँ ये जो हालात देश में बन रहे हैं वो चिंताजनक है। सर, ये मोदी जब भी आते हैं, सर लाल डायरी की बात हर भाषण में करते हैं, ये मोदी जब भी आते हैं राजस्थान हर भाषण में लाल डायरी की बात करते हैं, कल कुछ चार पन्ने भी उड़ाने निकाले हैं, उसमें व्यवहार उसमें भी सवाल उठाए गए हैं, तो उन्होंने ये बातें कही तमाम तरह की चीज़ें। देखिए, मैं इतना समझता हूँ बाकी लोग बताने क्या क्या लाल डायरी काली डायरी कौन सी है, पर मुझे ऐसा एहसास है कि ये तमाम गृह मंत्रालय के अंदर षडयंत्र हो रहा है, वहाँ पे लाल नाम रखा गया डायरी का, डायरी में चाहने वाले सीकर के अंदर चार दिन बाद में, उससे पहले इसका दुरुपयोग किया गया कि हमारा मंत्री था उसको बात करके ये सब षडयंत्र बीजेपी नेताओं ने किया उत्तराब में करके मंत्री के साथ में, क्योंकि मंत्री मणिपुर में आग लगी हुई है, पूरा देश चिंतित है, दुनिया चिंतित थी, किसी भी देश का एक राज्य डर रहा है, वो राज्य है वो मणिपुर, छोटा बड़ा हो सकता है, पूरी गंभीरता समझ नहीं पा रही है मोदी जी और अमित शाह जी, एक बार नहीं गए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर, एक कमेंट नहीं किया, और कमेंट क्या किया कि मणिपुर के राजस्थान के चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री से ही शांति बना रखी, अब कल्पना कीजिए उसके अंदर जो आग लगी हुई थी पार्लियामेंट एकदम हो रही थी, तब उस मंत्री ने बुलाया यहाँ पे कि वहाँ की स्थिति यहाँ भी खराब है, और उसको डायलूट करने दीजिए, मणिपुर की घटना आग लगी हुई जो चल रहा है वहाँ पर, कितने लड़कियों का रेप हुआ वहाँ पर, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 100 रेप हो चुके हैं, 1000 जल्दी के FIR हो चुके हैं हमारे यहाँ पर, एक मुख्यमंत्री शिकायत कर रहा है, आज वो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, सरकार भंग तक नहीं करी, मुख्यमंत्री हटाया तक नहीं उनको, चेंज करने थे, ये वो इतनी उनकी जो सोच है वो फांसी की सोच रिजर्व करते हैं, वो खतरनाक है। अगर लाल जाती की बात करो, पहले प्रमुख की बात करो, पन्ने आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग ने चिंता नहीं, हमारे एक ही उद्देश्य है सरकार कैसे बनेगी फिर वापस, जो हमने काम किया गुड गवर्नेंस दिए, हमें यकीन है पब्लिक पर आम जनता पर हमारी कामों पर वो छप्पा लगाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल है सर, एक केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र तोमर, उनके बेटे पर 10,000 करोड़ का, आप देखिए ना, आप उनके बेटे यही होना है ईडी को, और दूसरों बेटों के घरों में आज घुस रहे हो, तंग कर रहे हो आप लोग। पेंडेमिक के बाद सबसे बड़ा, अगर भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तो वो मेडिकल का जो खर्चा है वो थी, और उसके अंदर ये जो योजना लाए उस योजना से, तो इन सब बातों से प्रभावित होकर हमने ये तय किया कि हम भाजपा छोड़ने के बाद हमको कांग्रेस ही ज्वाइन करना चाहिए, और राजस्थान में पुनः सरकार बने उसके लिए हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, सहयोग करेंगे, और भाजपा जो आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसके अंदर कहां पर पिछड़ों का अकलियतों का खिलाड़ियों का कहां पर विकास हो रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है, तो इन सब बातों से आहत और दुखी होकर आज हमने जो माननीय रंधावा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मोहन प्रकाश जी, नदीम जी और हमारे महामंत्री
जी सबके साथ बैठकर आज हम सभी लोग बड़ी तादाद में जो लोग आए वो कांग्रेस आज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।